हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है रियल टेक। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बोलूँगा कि आज प्रेजेंट टाइम में इंडियन पोस्ट ऑफिस जो है वो आपको कितना इंटरेस्ट रेट दे रहा है, और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप सबसे अच्छा जो फिक्स डिपॉजिट है वो चूज़ करेंगे और कैसे आप इसके बेनिफिट्स लेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिक्स डिपॉजिट जो है, अगर किसी बैंक में, इंडियन बैंक में आप अपना पैसा जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें और पोस्ट ऑफिस में कितना फ़र्क है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि न्यू इंटरेस्ट रेट्स जो जुलाई 2021 से शुरू हुई हैं पोस्ट ऑफिस में, कौन कौन सी चेंज आई है वो मैं आपको बोलता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है एक स्कीम, फिक्स डिपॉजिट स्कीम। अगर आप अपना पैसा एक साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे इंटरेस्ट रेट्स मिल रहे हैं, 5.5। अगर आप दो साल के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5.5 ये सेम मिल रहा है। तीन साल के लिए अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो आपको सेम इंटरेस्ट मिल रहा है 5.5। मगर सबसे अच्छा इसमें एक चेंज आई है, अगर आप अपने पैसे को 5 सालों के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस जो है वो आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट्स जो है प्रोवाइड कर रहा है, वो है 6.7। मीन्स यहाँ पर आपको, अगर आप अपना पैसा 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस की तरफ से बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि है 6.7। अगर हम बात करें और बैंक्स की, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हैं या गवर्नमेंट बैंक्स हैं, जो भी बैंक्स हैं, वहाँ पर अगर हम बात करें तो एक साल का आपको सिर्फ और सिर्फ 4% मिल रहा है, अराउंड 4% आपको इंटरेस्ट रेट मिलते हैं। अगर हम पाँच सालों की बात करें तो मुश्किलन आपको मिलता जो है वो है 5.20%। सिर्फ आपको जो प्राइवेट बैंक्स हैं या गवर्नमेंट बैंक्स जो हैं वो आपको इतना इंटरेस्ट रेट्स देते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क है पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट में। और तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पर, अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में डायरेक्ट जाकर वहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, क्योंकि बैंक से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपको, हाई इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो यहाँ पर इंडियन पोस्ट ऑफिस आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके बेनिफिट्स की अगर बात करें, कौन कौन से बेनिफिट्स जो हैं वो आपको पोस्ट ऑफिस देता है फिक्स डिपॉजिट स्कीम के साथ, तो सबसे पहला जो सबसे अच्छा इसका बेनिफिट आपको मिल रहा है वो है हाई इंटरेस्ट। अगर आप और बैंक्स की बात करें तो उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत लो है एज़ कम्पेयर टू पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस जो है आपके पैसे को हाई इंटरेस्ट रेट्स देता है, ये सबसे पहला बेनिफिट है अगर आप अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो आपका जो पैसा है, अगर आप पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको 100% सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि देखा जाता है कि बहुत सारे जो प्राइवेट बैंक्स हैं, जब आप अपना पैसा वहाँ पर जमा करते हैं तो वहाँ पर चांसेस होते हैं कि अगर वो बैंक जो है अगर वो डूब जाता है, मीन्स लॉस में जाता है, तो आपका पैसा जो है वहाँ पर सिक्योर नहीं रहता है। मगर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की अगर ये बात की जाए तो इसको, ये इंडिया का है, इंडिया की गवर्नमेंट इसको रन करती है, इसलिए यहाँ पर आपको 100% जो है वहाँ पर सिक्योरिटी मिलती है, आपका पैसा जो है वो बिल्कुल सेफ रहता है और आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट्स के साथ ये वापस करता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें जो पोस्ट ऑफिस की तरफ से है, वो है टैक्स सेवर। अगर आप अपने पैसे को पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं तो ये यहाँ पर बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है कि जितना पैसा आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स कर देंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे, चाहे 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है जिसमें आपका जो टैक्स है वो आपको सेव हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें प्री विड्रॉल, अगर आपने 5 साल के लिए पैसे अपने को जमा किया है तो अगर आपको बीच में कभी इमरजेंसी पड़ जाती है जिसमें आपको वो पैसा निकालना पड़ता है, तो यहाँ पर एक और फैसिलिटी है, आप अपने पैसे को विड्रॉल करा सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपको छोटी मोटी पेनल्टी लग सकती है, ये वाला इंटरेस्ट रेट्स आपको उस टाइम नहीं मिलेगा। जैसे आपने 5 सालों के लिए किया है तो 5.6 या 5.67 जो है वो आपको नहीं मिलेगा, आपको लो वाला 4 पॉइंट या 5 पॉइंट का जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो मिलेंगे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की तरफ से यहाँ पर आपको एक पेनल्टी पड़ती है कि आपने जो फिक्स किया था, फिक्स पीरियड के लिए अपने पैसा जो जमा किया था उससे पहले अगर आप निकालते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट्स जो है यहाँ पर बहुत कम मिलने वाले हैं। तो मैं आप सब फ्रेंड्स को सुजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हैं, अच्छा इंटरेस्ट रेट्स अगर आप उसे अर्न करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा बैंक से लेकर अगर आप किसी भी बैंक में जाएंगे, वहाँ से सबसे अच्छा जो इंटरेस्ट रेट्स है पूरा सेफ और सिक्योरिटी के साथ, वो है पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पर आप अपना पैसा जो है वहाँ पर जमा करवाएं। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। अगर आपका कोई पहले से अकाउंट है
पोस्ट ऑफिस में, तो आप अपने पोस्ट ऑफिस पर जाइए, जो भी आपके नज़दीक में जो भी ब्रांच वहाँ पर पड़ती है आप वहाँ पर जाइए, उनके साथ कॉन्टेक्ट करें। आपको वहाँ पर पूरा इसका प्रोसीजर समझाया जाएगा कि आप अपने पैसे को कैसे यहाँ पर जमा कराएंगे, और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप डायरेक्टली कैश लेकर जाएंगे, जितना आधा कैश लेकर जाएंगे। अगर आपको 1 लेख करना है, 3 लेख करना है, 4 लेख करना है, वो स्टेप बाय स्टेप आप कैश जमा कराएं नए अकाउंट में, और वहाँ से आप अपने पैसे को एक बार जब आपका कैश जमा हो जाएगा उसमें उस अकाउंट में, तो वहाँ से आप अपना अप्लाई कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट के लिए। कौन कौन खोल सकता है, तो इसमें अगर हम बात करें तो हर कोई ये अकाउंट ओपन कर सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्लाई। तो इसमें बात की जाए, आप जॉइंट अकाउंट भी रख सकते हैं, आप अपने बेटी के नाम पर या अपने बेटे के नाम पर भी अकाउंट खोल सकते हैं, उसमें पेरेंट्स जो हैं वो उनके साथ रहेंगे, उनके नाम पर अकाउंट रहेगा, और वहाँ से मगर जो अकाउंट है वो ऑपरेट करना पड़ेगा खुद पेरेंट को। तो आप बच्चों के नाम पर भी ये अकाउंट खोल सकते हैं, अपने नाम पे भी खोल सकते हैं, वाइफ के नाम पे, मदर के नाम पे, किसी के नाम पे भी खोल सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी लिमिटेशंस वगैरह नहीं है, आप जाकर अकाउंट खोल सकते हैं डायरेक्टली अपनी जो नज़दीक की ब्रांच होगी वहाँ पर जाकर उनके साथ कॉन्टेक्ट करें और आप अप्लाई करें फिक्स डिपॉजिट के लिए। क्योंकि अगर आपका पैसा जो है वो बैंक अकाउंट्स में है तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रेट्स जो हैं वो कम मिलते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि पोस्ट ऑफिस में फ़िक्स डिपॉजिट होता है, और वहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे इंटरेस्ट रेट्स देता है, और आपका पैसा जो है बिल्कुल सिक्योर रहता है। मैं हमेशा इसी चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।